हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल. मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूं और पिछले 12 साल से बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूं फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. सो जैसा कि आप जानते हैं कि अराउंड 1 मंथ का टाइम रह गया है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए. सब बच्चों पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि अब केमिस्ट्री को या बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए. So today I'll be discussing about 1 month strategy to crack chemistry exam in NEET 2019. देखिए students, I agree कि बहुत ज़्यादा बड़ा task है, daunting task है and stress बहुत है. लेकिन अगर strategically हम prepare करें chemistry को, तो it is really really scoring subject. मतलब you can score real good marks in chemistry. देखिए केमिस्ट्री में पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं केमिस्ट्री में जिनके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है. अगर मैं 11th क्लास की 11th स्टैंडर्ड की बात करूं तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम है, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, बिसाइड्स दैट इक्विलिब्रियम के अलावा यू हैव सर्टन अदर चैप्टर्स लाइक यू हैव ऑर्गेनिक GOC पे कंसनट्रेट करना है, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड देन केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग केमिकल एंड आयनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों अच्छे खासे चैप्टर्स हैं. थर्मोडायनेमिक्स में से एक या दो न्यूमेरिकल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रेडॉक्स में से यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर्स, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ऑल इन ऑल जो प्लस वन की केमिस्ट्री है उसका अच्छा खासा वेटेज है मेडिकल एंट्रेंस में. जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. सो आपने प्लस वन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना 11th स्टैंडर्ड को. 11th की केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना है चैप्टर्स को, हैफजेटली मूव नहीं करना. तरीके से प्रिपेयर कीजिए, जैसे चैप्टर एक बार पढ़ लिया उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम MCQs. चैप्टर को रिपीटेडली बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपने चैप्टर को एक बार दो बार पढ़ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. जब तक आप अच्छे क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी फॉर श्योर. सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बात करें 12th स्टैंडर्ड की, प्लस टू की, देखिए प्लस टू में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में से यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर्स लाइक सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट में से डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन या जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, रेडियस रेशो पे क्वेश्चन, कुछ ऐसा. अच्छा, बिसाइड्स दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको नर्नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन, कुलरॉस लॉ पे क्वेश्चंस, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में से ऑर्डर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, अरहेनियस इक्वेशन एंड जो इनिशियल पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, रेट लॉ एंड ऑल, उस पे कोई कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चे जनरली स्किप कर जाते हैं, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में से जो कोलॉइड्स वाला पार्ट है, कोलॉइड्स वाला पार्ट, देन हार्डी शुल्स रूल, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद प्लस टू में इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक फ्रॉम प्लस वन, पी ब्लॉक की दो फैमिलीज फ्रॉम प्लस वन और बाकी का पी ब्लॉक फ्रॉम प्लस टू, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिमेंबर दैट हैज टू बी डन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम NCERT. आप उसको NCERT में से कीजिए और एटलीस्ट जो NCERT में पोर्शन गिवन है इनऑर्गेनिक का उसको थॉरली रिवाइज कीजिए. डू इट ट्वाइस एंड थ्राइस, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए इनऑर्गेनिक को. अगर बात करूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आपने उसको तरीके से प्रिपेयर करना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपने तरीके से प्रिपेयर करना है. जो NCERT में चीज़ें गिवन हैं वो तो करनी ही करनी है, आपको थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर भी, NCERT के बियॉन्ड जाकर भी कोऑर्डिनेशन पढ़ने की ज़रूरत है. डी एंड एफ ब्लॉक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. NCERT छोड़नी ही नहीं है, आपने अच्छे से डी एंड एफ ब्लॉक भी करना है, अच्छे से करना है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम NCERT. उसके बाद अगर बात करें 12th की ऑर्गेनिक की, देखिए 12th की ऑर्गेनिक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. श्योर कि आपको उसमें से जो भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकें.
देखिए ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जिसमें लीस्ट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन तो कोई है ही नहीं उसमें, इट इज ऑल नॉलेज बेस्ड. सो आपने सबसे पहले तो नेम रिएक्शंस जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है उनको थॉरली और विद अटमोस्ट कंसंट्रेशन आपने उन न्यूमेरिकल्स उन सॉरी नेम रिएक्शंस को आपने डील करना है. बिसाइड्स दोज नेम रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक की कन्वर्जन हैं कि किस रिएजेंट से क्या होगा, किस रिएजेंट से क्या होगा, वो आपने ध्यान में रखना है. जो टेस्ट पूछे जाते हैं जैसे लुकास रिएजेंट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इन टेस्ट के ऊपर ध्यान देना है. उसके बाद रिएक्शन सीक्वेंसेस हैं कि मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन केसीएन से किया, इथाइल क्लोराइड था मान लीजिए इथाइल क्लोराइड था उसका रिएक्शन केसीएन से किया तो इथाइल साइनाइड बन गया, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा, रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी मीन बनेगा. नाउ दीज थिंग्स हैव टू बी ऑन योर टिप्स. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये चीजें तभी आएंगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड अगेन. सी ऑर्गेनिक डिमांड्स टाइम. ऑर्गेनिक समझने का सीखने का एक सिंपल रीजन है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड बिलीव मी इफ यू प्रिपेयर स्ट्रैटेजिकली फॉर केमिस्ट्री इन दिस कमिंग वन मंथ आई अश्योर यू, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप 150 प्लस स्कोर, आई रिपीट यू कैन इजिली स्कोर 150 प्लस. तो आप कोई बुक पकड़ लीजिए उसमें से एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. वैसे इफ यू आर अवेयर मैंने भी एक बुक ऑथर करी है, आई ऑल्सो ऑथर्ड वन बुक. दिस बुक इज गियर अप केमिस्ट्री एंड ये गियर अप केमिस्ट्री है, इट इज ऑथर्ड बाय मी, दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट. आप इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं नीट को क्रैक करने के लिए. बायोलॉजी जो है वो तो बैकबोन है, बायोलॉजी में तो मैक्सिमम स्कोर करना ही है, अराउंड 330 प्लस आपने स्कोर करना है. केमिस्ट्री में अगर 150 प्लस स्कोर हो जाता है तो आपका हेडेक, आपका टेंशन जो फिजिक्स में आएगा वो रिलेटिवली कम आएगा. मतलब फिजिक्स का मैक्सिमम स्कोर तो केमिस्ट्री और बायो ही कंपनसेट कर देंगे. सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इट इज वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई एंड. आई रियली विश कि आप सबका सिलेक्शन हो मेडिकल कॉलेजेस में अक्रॉस इंडिया. एंड आई होप जो वीडियो मैंने बनाया ये आपको पसंद आएगा. थैंक्स वेरी मच फॉर बींग विद मी. आई एम डॉक्टर मनु कौशल, केमिस्ट्री फैकल्टी. टेक केयर, बाय बाय.